ये एमिल का रोटेशनल विस्कोमीटर इसको बोलते हैं, इसको पूरा सेटअप का है, सेटअप है ये इसका, ये उसका बॉक्स है, ये उसका बॉक्स है इसका, ये बोलते हैं उसको हेड बोलते हैं, जो अपना विस्कोमीटर जो है हेड है, ये है, ये है उसका टेम्परेचर कंट्रोलर एंड माइक्रो प्रिंटर है ये, इसमें से प्रिंट निकलता है, जो भी रिपोर्ट रहेगा इसमें से प्रिंट निकालेगा ये, ये उसका हीटर है, जो टेम्परेचर मेंटेन करने का हीटर चैम्बर है, इसका अंदर हीटर लगा हुआ है, ये हीटिंग चैम्बर है, और ये सब असेंबली होने के बाद, ऐसा बॉक्स में, ये बॉक्स में ये आता है अपना, ये खोलेंगे ना, ये हेड इसमें रहता है, इसका निकाल के इसका वायर वगैरह सब केयरफुली कनेक्शन कर देने का, करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका अंदर में एक स्पेंडल बॉक्स ऐसा है, इसको स्पेंडल बॉक्स बोलते हैं, ये सब स्पेंडल है, स्पेंडल ये है उसका कनेक्टर, ये है कनेक्टर जो इसमें फिट किया जाएगा, ऐसा फिट होगा इसमें, हेड का, हेड का कनेक्टर है ये, ऐसा फिट करते हैं, और ये है उसका ये है उसका हुक बोलते हैं इसका, स्पेंडल को ऐसा पकड़ के ऐसा उठाएं तो ऐसा हुक में के, ये कनेक्टर है, कनेक्टर है, और ये कनेक्टर पे इसके साथ ऐसे करके आराम से रखा जाएगा। उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें विस्कोसिटी, इसमें इसमें एक बबल ट्यूब, ट्यूब बबल है, इसको पहले सेट करना पड़ेगा, बबल 0-0 करना पड़ेगा, और हीटर में भी एक बबल दिया हुआ है, ये बबल को भी 0-0 करके रखना पड़ेगा। उसके बाद हमको क्या करना है, ये अपना स्पिंडल बॉक्स है, कौन सा स्पिंडल का सफा वाला नहीं, ये स्पिंडल बॉक्स है, कौन सा स्पिंडल सिलेक्शन करने का है हमको, इसमें अपना गाइडलाइन बुक में दिया हुआ है स्पिंडल, ये नंबर है, ये सब स्पिंडल नंबर दिया है, इसके हिसाब से कौन सा हमको लेना है, कितना विस्कोसिटी कितना चाहिए, उस हिसाब से ये टेबल दिया है उसमें कि कौन सा स्पिंडल हमको लेना है। जनरली हम CRMB 60 के लिए इसको यूज करने के लिए लेके आए हैं, तो ये इसके लिए हम 21 नंबर स्पिंडल जो है ये अपना है 21 नंबर स्पिंडल, इसको यूज करने के लिए लेंगे हम, और इसका स्पीड भी दिया हुआ है हमका, ये विस्कोसिटी रेंज है, ये इसका स्पीड है, जो स्पीड है हमको इसमें दिखेगा हेड में, मैं दिखाता हूँ बाद में। उसके बाद इसको क्या करते हैं, पहले सैंपलिंग कंटेनर है ये, ये इसमें हम बिटवीन सैंपल लेना है, स्पिंडल के हिसाब से कौन सा स्पिंडल है उस हिसाब से अपना चार्ट दिया हुआ है, कि कौन सा स्पिंडल में कितना ग्राम सैंपल लेना है बोल के चार्ट में ऑलरेडी मेंशनेड है। ये 21 स्पिंडल के लिए 11 ml और 27 के लिए 15 ml, जो कि हमारा डेंसिटी, जो भी डेंसिटी रहेगा ये ml के साथ इंटू करके उतना ग्राम हमको लेना है। उसके बाद हमें ये, इसको बोलते हैं इसका कवर है, हीटर का कवर है, जब हम इसको स्पिंडल को लगाया जाएगा इसको हीट को बाहर नहीं ये होने के लिए ये उस कवर दिया गया है, इसको रखा जाता है। उसके बाद देखेंगे हम अभी कैसे इसको ऑपरेट करते हैं, इसको ऑपरेट करने के लिए पहले तो पावर ऑन करेंगे, ये पावर ऑन बटन है, पावर ऑन बटन से ऐसे ऑन करने से हमारे को पावर, ये हमारा हेड में और सभी में, ये हीटर में एक ही साथ में पावर ये करता है, ये कंट्रोलर मेन पावर कंट्रोलर है, इसमें हमको कितने डिग्री चाहिए उसको हम सेट करेंगे, ऐसा सेट कर देंगे कि हमको कितने डिग्री चाहिए, ऐसे इसमें सेट करने के लिए है हमको 135 डिग्री चाहिए, 165 डिग्री चाहिए, जो चाहिए उस डिग्री में हम सेट करेंगे। मैं इसमें 135 डिग्री में सेट करके रखा हूँ, सेट किए हैं इसको 135 डिग्री में हम, ये हीटर बटन है, ये हीटर बटन को ऐसा, हीटर इधर हीटर लिखा हुआ है देख सकते हैं, ये हीटर बटन को ऐसा प्रेस करेंगे तो इसमें पावर ऑटोमेटिक आ जाएगा, पावर आने के बाद ये हीटर जब इसका टेम्परेचर है इसको ये कंट्रोल करता है, इसमें डिजिटल में शो होता है इसका अंदर का टेम्परेचर कितना है, ये शो होने के बाद हम पहले ये सैंपलिंग कंटेनर में पहले क्या करेंगे, इसको जीरो कर देंगे बैलेंस में रख के,
बैलेंस में रख के जीरो करके हम इसमें 11 ग्राम लेना है, 21 स्पिंडल यूज करेंगे इसलिए 11 ग्राम लेके जितना हमारा ग्राम आएगा एक डेंसिटी को एंटी कर दिया तो 11 ml इंटू डेंसिटी करेंगे तो कितना ग्राम चाहिए हमको उतना ग्राम लेना है इसमें। उसके बाद हम इसमें आएंगे, हमारे को आजकल इसके हिसाब से हमको विस्कोसिटी जितना चाहिए ये 1000 बिलो, ये 1000 हमारा मैक्सिमम मतलब 0 to 1000 लेवल ये है। तो हम क्या करना है, पहले मशीन में 21 ये स्पिंडल जो स्पिंडल रहता है ये 21 सेट कराया जाता है। कैसे सेट करते हैं इसको, ऐसे आप चेंज कर सकते हैं इसका 21, 27 जितना चाहिए हमको, अभी 21 चाहिए तो 21 सेट करेंगे। उसके बाद उसमें आरपीएम में आएंगे, ये हमको इसमें चार्ट के हिसाब से 50 आरपीएम के हिसाब से चाहिए तो 50 आरपीएम हम इसको सेट करेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये 5 है, 5 से 50 आई ऐसे सब डिफरेंट आरपीएम है, 50 में हम सेट किए। ये स्केल ऑटोमेटिक 1000 में ऑटोमेटिक शो हो जाएगा, 0 to 1000 स्केल में टेस्ट होगा। अभी टेम्परेचर हमारा सेट किए हैं हम 135 डिग्री तो 135 डिग्री में ये होगा। हम इसको रिसेट चेक कर देंगे तो एक बार रिसेट चेक कर देंगे तो हमारा जो रहेगा सेट किया हुआ वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये सैंपलिंग कंटेनर सैंपलिंग सिलेंडर में बिटवीन लेके फिर उसका टेस्ट प्रोसेस चालू करेंगे। हमारे पास अभी फिलहाल के लिए मॉडिफाइड बिटवीन या सीआरएमबी बिटवीन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फिलहाल के लिए मैं BG40 बिटवीन टेस्ट करने के लिए ले रहा हूँ तो इसलिए मैं 135 डिग्री सेल्सियस में सेट किया था। अगर हमको सीआरएमबी करना है या अलग कुछ करना है उसके हिसाब से हमको ये टेम्परेचर सेट करके एज पर कोर के हिसाब से सेट करके ये ऑपरेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ये अपना विस्कोमीटर का ये सैंपल, इसमें हम बिटवीन सैंपलिंग करने के बाद सैंपलिंग करके लेके आने के बाद इसको फ्लूइड कंडीशन में लेके आएंगे। फ्लूइड कंडीशन में लेके आके पहले इसमें स्पिंडल कवर जो है स्पिंडल कवर में हम जीरो करके स्पिंडल कवर को ऐसे इस स्टैंड में इसको जीरो करके इसमें बिटवीन सैंपल जो है स्पिंडल 21 के लिए हमारा ये है स्पिंडल 21 नंबर के लिए हमारे चार्ट के हिसाब से 10 टू 11 ग्राम बिटवीन चाहिए तो उसमें बिटवीन सैंपल लेंगे। स्टार्ट इसमें 10 ग्राम लेके आने के बाद फिर हम उससे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हमारा ये है अपना डिजिटल वाला जो मीटर है शो करने वाला है इसमें सेट करेंगे 135 डिग्री में फॉर BG30 बिटवीन के लिए आज फॉर आईएस 1206 पार्ट 3 के हिसाब से हम उसका ये देखेंगे। 135 डिग्री में सेट किए जो सेंटर में दिख रहा है इसमें हम इसको प्लेस करेंगे और 15 मिनट के लिए कंडीशनिंग किया जाता है। 15 मिनट इसमें सेट करना है बराबर, ये उसका ये है पकड़ने वाला मैं अच्छे से पकड़ के उसको 15 मिनट के लिए सेट हो गया। सेट होके ये 135 डिग्री में 15 मिनट के लिए इसको सेट किया जाएगा। फिर स्पिंडल भी उसके अंदर हम प्लेस कर देंगे इसके इसको बोलते हैं स्पिंडल, इसको रोटेशनल विस्कोमीटर का ये है स्पिंडल है, ये हमारा 21 नंबर स्पिंडल है इसको हम फिक्स करेंगे। इससे पहले इसको स्पिंडल का हुक के माध्यम में हम इसको फिक्स करके बराबर उसका यूट्यूब इसमें बबल दिया है बबल ट्यूब पहले से ही सेट करके रखेंगे बबल ट्यूब के हिसाब से। फिर इसको हम इसका सेंटर में आएगा जैसे
पहले सेंटर में आके फिर इसमें उसका स्क्रू है, ये एडजस्टिंग स्क्रू से इसको प्लेस करेंगे धीरे 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 कि इसका सेंटर में जैसे आ जाएगा किसी बिल्कुल फ्री में रहना चाहिए, बिल्कुल किधर भी टच नहीं होना चाहिए। बिटवीन का अंदर हम ये स्पिंडल प्लस ये अपना एडजस्टिंग स्क्रू के साथ में इसको ऐसे धीरे धीरे प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद ऑटोमेटिक वो सेट हो जाएगा। हमको देखना है कि वो किधर टच हो रहा है कि नहीं, अच्छे से देखना है। इसके अंदर हम अभी टाइमर ऑन करके 15 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अभी 5:36 टाइम हुआ है, 15 मिनट के लिए इसको छोड़ दिए। कंडीशनिंग करेंगे 135 डिग्री में स्टार्ट। 15 मिनट कंडीशनिंग होने के बाद ये हम उस कॉप इसे कॉप को ये रिमूव कर देंगे। इसका कवर है, ये रिमूव करने के बाद इसको देख लेंगे फिर से अच्छे से एक बार ये सेंटर में है कि नहीं। फिर काम करेंगे, इसका एंटर बटन है ये, इसको जस्ट प्रेस करेंगे, ये अपना ऑटोमेटिक ये रोटेशनल होगा। ये रोटेशन स्टार्ट हो गया है, रोटेशन स्टार्ट हो गया है धीरे धीरे। ये अपने को इधर विस्कोसिटी क्या आ रहा है डिस्प्ले होता है, वो हमको हर मिनट में एक बार ऐसे करेंगे तो एक ये पर्ची मतलब उसका रिपोर्ट क्या है वो निकलता है। हमको एक मिनट में एक बार और 1 मिनट इंटरवल में 3 रिपोर्ट निकालना है हमको। 3 मिनट का क्या है एवरेज, वही होगा हमारा विस्कोसिटी, फाइनल विस्कोसिटी। हर 1 मिनट में एक बार एंटर दबाना है। अब ये 1 मिनट होने वाला है, 1 मिनट अभी होने वाला है, अभी एंटर दबाया जाएगा। ये एंटर दब गया, यहाँ से रिपोर्ट पर्ची निकल गया है। 1 मिनट में कितना रिजल्ट आया? ऐसा 1 मिनट होने के बाद ये पर्ची निकला है, जिसमें हम ये पर्ची में देख पाएंगे कि इसका ऐसा ये स्पिंडल नंबर 21 है, स्पीड जो है 50, रोटेशन स्पीड जो है 50 रिवोल्यूशन पर मिनट है। ये अपना विस्कोसिटी इधर शो कर दिया 515 MPS में दिखाता है। ये MPS जो कि कन्वर्ट करेंगे तो हमारा डायरेक्ट CST आ जाता है। MPS को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, MPS = 1 CST। दूसरा मिनट में दूसरा भी निकाल देंगे। दूसरा मिनट, ये 2 मिनट हो गया है, दूसरा पर्ची निकला है। 315 800